शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बाबा सोची, इंद्रदेव ने एक सती स्त्री उसके सतीत्व का दंड दिया था। जब देवी अहिल्या ने उनके प्रेम निवेदन को टुकरा दिया था, तब अपने अहंकार की पूर्ति के लिए इंद्रदेव ने देवी अहिल्या के साथ छल किया। इंद्रदेव ने ऋषि गौतम का रूप धरकर देवी अहिल्या के मर्यादा का हनन किया। उनके पति का रूप धरकर देवी अहिल्या के सतीत्व का भंग किया था। और इंद्रदेव के भय से सभी देवों ने भी उनका साथ दिया था, जिस कारण दोषी न होते हुए भी देवी अहिल्या को संसार के सम्मुख कलंकित होना पड़ा था और अपने पति का कठोर श्राप सहन करना पड़ा था और पाषाण का जीवन जीना पड़ा था। अब आप ही बताइए बाबा, ऐसे इंद्रदेव हमारी पूजा के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? गोपाल सत्य कह रहा है काका, जो एक धर्मपरायण स्त्री के साथ इतना बड़ा अधर्म करे, ऐसे देवता को अपने पूजा में आमंत्रित नहीं करना चाहिए, उनका नाम तक नहीं लेना चाहिए। चाहे भले ही इंद्रदेव देवों के अधिपति हो, पर वे हमारे इष्ट देव नहीं हो सकते। हमारी आस्था, हमारी भक्ति, हमारी पूजा के अधिकारी नहीं हो सकते। राधा और कान्हा, आप दोनों मेरे किए कार्यों और उस समय घटी घटनाओं को अनुचित रूप से संसार के समक्ष रख रहे हो। कदाचित ये अर्थ सत्य है। पूर्ण सत्य तो ये है, ऋषि गौतम हम देवताओं को नियंत्रित करने हेतु, हमारी स्वतंत्रता और अधिकारों को छीनने हेतु एक न्याय सूत्र का गठन कर रहे थे, जिसका दंड मैंने उनका रूप धारण कर उनकी पत्नी अहिल्या को दिया। देवराज, आप ये क्या कह रहे हैं? यही सत्य है वरुण देव। उस समय मैंने एक मनुष्य के रचे विधान में बंधने से हम सभी देवताओं की रक्षा की थी। किंतु देवराज, ऋषि गौतम सिद्ध ऋषि थे, हो सकता है कि उनके न्याय सूत्र में हम देवों का हित नहीं तो? नहीं अग्निदेव, एक मनुष्य द्वारा रचे विधान से आप सभी देवता बन सकते हैं, किंतु मैं देवराज कदापि नहीं बनूंगा। देवताओं ने अमृत पान कर क्या अमृत केवल इसलिए प्राप्त किया था कि एक मनुष्य द्वारा रचे न्याय सूत्र से बंध कर अपने न्याय करने का अधिकार छोड़ दें? पर देवराज, यदि आपको समस्या ऋषि गौतम के न्याय सूत्र से थी, तो आपको उनके न्याय सूत्र की रचना को रोकना चाहिए था। मैं कुछ ऐसा ही करने वाला था वरुण देव, और कदाचित ऋषि गौतम मान भी जाते, किंतु उनकी पत्नी अहंकारी अहिल्या ने उसने मेरी अवहेलना की थी। इसलिए मैंने ऋषि गौतम का रूप धारण कर अहिल्या का सतीत्व ही भंग कर दिया, जिस कारण ऋषि गौतम और अहिल्या इस संसार के अंत तक किसी को अपना मुख नहीं दिखा सकेंगे। और इतना ही नहीं देवगण,
उस समय मैंने जो निर्णय लिया था, आज उसी के कारण हम एक मनुष्य द्वारा रचे न्याय सूत्र में बनने से मुक्त हैं। हम पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं। बाबा, यदि ऋषि गौतम का न्याय सूत्र पूर्ण हो जाता तो आज इंद्र जैसे देवता भी तर्क संगत होते, उनके ऊपर भी आचरण और आदर्श के मूल्य होते। उनके द्वारा किए गए अधर्म पर प्रतिबंध लगाया जा सकता था और इसलिए इंद्रदेव ने ऋषि गौतम के न्याय सूत्र को पूर्ण होने से पूर्व ही नष्ट कर दिया। इंद्रदेव को किसी मर्यादा में ना बंधना पड़े, इसलिए उन्होंने देवी अहिल्या के साथ धर्म किया। अब आप ही बताइए बाबा, ऐसे व्यक्ति हमारी पूजा के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? जिस इंद्रदेव के लिए संसार का नहीं, अभी तो स्वयं का हित सर्वोपरि हो, हम उन्हें अपनी भक्ति कैसे समर्पित कर सकते हैं बाबा? कान्हा, देवराज इंद्र हूं मैं। आज तक जिसने भी मेरी सत्ता को चुनौती दी है, उसे अपना पद खोना पड़ा है। और आज तक जो भी मेरे विरुद्ध गया है, मैंने उसे अपने बल से, अपने छल से और अपने प्रपंच से पराजित किया है। फिर वो चाहे विश्वामित्र हो या फिर अपने न्याय सूत्र में बांधने का प्रयास करने वाले ऋषि गौतम, भगवान विष्णु ने जब राम अवतार को धारण किया था, तब उन्होंने इस संसार की मर्यादाओं का पालन किया था, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। पर इंद्रदेव तो स्वयं को हर मर्यादा से परे समझते हैं। हम इंद्रदेव की पूजा कैसे कर सकते हैं काका? राधा, बात तो तुम्हारी सत्य है, पर ये तो बीते युगों की बात हो गई और आज तक देवताओं ने इस पर कभी कुछ नहीं कहा। देवताओं ने कभी भी इंद्र के कार्यों को लेकर कोई प्रश्न नहीं किया। हाँ काना, फिर हम तो मनुष्य हैं। काका, यदि इंद्रदेव देवी अहिल्या के साथ किए हुए अधर्म के पश्चात भी रुक जाते, तो उन्हें उनकी एक भूल समझकर बुला सकते थे। गोपाल, तो क्या इंद्रदेव ने और भी अधर्म किए हैं? हाँ राधा, समय के साथ इंद्रदेव का अहंकार और अधर्म बढ़ता ही गया। उन्होंने ना केवल ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग की, अभी तो जब जब भी किसी मनुष्य ने अपनी भक्ति और तपोबल से देवत्व को धारण करना चाहा, तो इंद्रदेव उनके शत्रु बन गए। फिर चाहे वो ऋषि विश्वामित्र हो या ऋषि मार्कंडे, और केवल इतना ही नहीं, देवराज इंद्र ने अपने अहंकार में अपने ही गुरु बृहस्पति तक का अपमान किया। और देवगण, आज मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि मैं ऐसा नहीं करता तो आज इस स्वर्ग पर असुरों और मनुष्यों का आधिपत्य होता, क्योंकि मनुष्य और असुर दोनों के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है स्वर्ग की प्राप्ति। वो दुष्ट असुर अपनी शक्ति से स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं,
और मनुष्य वो अपनी भक्ति से स्वर्ग को भोगना चाहते हैं, किंतु यह स्वर्ग हम देवताओं का है। यह स्वर्ग इसलिए यदि उस समय मैंने किसी ऋषि की तपस्या को भंग किया, मैंने कोई अदर नहीं किया कान्हा। बाबा, इंद्रदेव का अधर केवल यही तक सीमित नहीं था, अपितु जब नर नारायण का धर्म की स्थापना के लिए अवतरण हुआ तो इंद्रदेव ने उन्हें भी रोकने का प्रयास किया। पर इंद्रदेव ऐसा क्यों करेंगे कान्हा? क्योंकि उन्हें यह भय था कि नर नारायण धर्म की स्थापना करते हुए देव लोक से इंद्रदेव के अधिपत्य को समाप्त न कर दे। बस करो लल्ला, देवता चाहे जैसे भी हो देवता ही होते हैं, उनके विषय में कुछ भी अनुचित कहना या सुनना पाप होता है। मैया, आप ही कहती है ना कि सच्चे कहने से बड़ा और कोई धर्म नहीं, तो फिर इंद्रदेव का ये सत्य कहने से हमें पाप कैसे लग सकता है? हाँ काकी, इंद्रदेव के इस अहंकार का हमें प्रतिरोध करना ही होगा।